इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। राजपूत और मराठा कौमें योद्धा कौमें मानी जाती रही हैं। उन कौमों ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी रियासतें कायम की और उन पर अपना शासन किया। राजस्थान में भरतपुर के लोहगढ़ किले की अभेद्य दीवारें 18वीं शताब्दी में राजा सूरजमल की जाट रियासत की उदय की कहानियां कह रही हैं। सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल हुकूमत कमजोर पड़ने लगी थी। जयपुर के आसपास के इलाकों में रहने वाले जाट मुश्किल से ही किसान रहे होंगे, लेकिन उन जाटों ने मुगलों की केंद्रीय सत्ता के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। यहीं से जाट साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसने 18वीं सदी में उत्तरी भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जाट राजवंश की बुनियाद ठाकुर बदन सिंह ने रखी थी। उनके बाद उनके बेटे सूरजमल के दौर में जाट राजवंश उत्तरी भारत में शक्ति का बड़ा केंद्र बन गया। उन्होंने अपनी पहली राजधानी डीग में बनवाई। फिर उन्होंने डीग से भरतपुर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। उसके बाद उन्होंने 200 साल तक हुकूमत की। राजा सूरजमल थे जो ठाकुर बदन सिंह के सक्सेसर, उन्होंने जाट शक्ति को पूरे उत्तर हिंदुस्तान में बढ़ाया और जो उस टाइम के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस थे वो उनके फेवर में थे, बिकॉज मुगल सत्ता बहुत ही इंट्रीक्स के कारण और अंतर्गत कलह के कारण बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। मराठों के इन्वेजन्स हो रहे थे दखन से, तो उसकी वजह से उत्तर हिंदुस्तान में ये जो ब्रज भूमि है वहाँ पे एक वैक्यूम बन गया था और उसी का फायदा उठाकर राजा सूरजमल ने जाटों की शक्ति ऑलमोस्ट अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मथुरा और आगरा, ऐसी कई जगहों पर उन्होंने उनकी शक्ति बढ़ाई। जाट राजवंश के पराक्रम का सबसे बड़ा प्रतीक भरतपुर के पास डीग महल है। उसकी बुनियाद ठाकुर बदन सिंह ने सन 1722 में रखी थी। जाटों की ताकत बढ़ने के बाद डीग महल जाट साम्राज्य की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। डीग पैलेस का निर्माण किया था ठाकुर बदन सिंह ने और उसे फिर महाराजा सूरजमल, उनके सक्सेसर महाराजा जवाहर सिंह, उन सब ने एक्सटेंड करके बढ़ाया और एक स्पेक्टेकुलर पैलेस कॉम्प्लेक्स बनाया। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उसकी ये है कि वो पूरी, अगर आप उसे देखें तो वो पूरी तरह मुगल और राजपूत शैली में है। तो अगर आप उसे देखें तो आप उसे सिंबल ऑफ जाट पावर कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज जब जाटों की शक्ति बढ़ी और उनके पास सत्ता आई, संपत्ति आई, तो उन्होंने जो इम्पीरियल मुगल इडियम है, जो लाइफस्टाइल है, उसे कॉपी करने की कोशिश की और ये महल बनाया। इट वाज अ वे ऑफ टेलिंग कि ये देखिए, अभी हम सिर्फ पेजेंट वॉरियर्स यहाँ के नहीं हैं, अभी हम राजा बन चुके हैं। सो दिस वॉज डीग पैलेस वॉज अ सिंबल पूरे हिंदुस्तान को बताने के लिए कि वी हैव अराइव्ड, कि जाटों की अभी सत्ता है और अभी हम यहाँ के राजा हैं। डीग महल अपने आप में ही एक अद्भुत नमूना है। जाट राजवंश और उस महल की बुनियाद रखने वाले ठाकुर बदन सिंह सौंदर्यता के प्रेमी थे। उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने वहाँ कुछ और महले, मंडपे और बाग बनवाए। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़े महल परिसर का हिस्सा बन गया, जो आज डीग पैलेस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। सन 1733 में राजा सूरजमल ने सोघर गांव में दूसरे जाट जमींदार के मिट्टी के बने छोटे से किले पर कब्जा कर लिया था। सूरजमल ने उसकी किलाबंदी करवाई, एक खाई खुदवाई और महल बनवाए। उसके बाद उन्होंने डीग से अपनी राजधानी भरतपुर स्थानांतरित कर दी, जहां उन्होंने किशोरी महल, मोती महल, कमरा खास बनवाए। महल की दो समकेंद्रीय दीवारों और उनसे लगी मगरमच्छों से भरी खाई की वजह से महल अभेद्य माना जाता था।
राजा सूरजमल है वो अपनी राजधानी भरतपुर के किले में लोहागढ़ में ले गए और उन्होंने उसे फोर्टिफाई करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला बनाया जो आज भी देखा जा सकता है, बहुत ही स्पेक्टेकुलर किला है। अनफॉर्चुनेटली उस समय क्या हुआ कि द जाट्स हैड टू कंटेंड विद अ लॉट ऑफ पावर कि जो सिंधियाज थे, होलकर्स थे, अब्दाली के इन्वेजन्स थे, तो राजा सूरजमल ने पावर तो बढ़ाई थी पर उनके जो सक्सेसर थे महाराजा जवाहर सिंह उन्होंने भी कोशिश की और सत्ता बनाने की एंड ऑल ऑफ दैट, पर जो महाराजा जवाहर सिंह के जो सक्सेसर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे और उसकी वजह से यू नो उनकी जितनी बढ़नी चाहिए थी पावर नहीं बढ़ी और वो जो भरतपुर के जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पर सिमट कर रह गई। उनको काफ़ी लड़ाइयाँ करनी पड़ी यू नो नेबरिंग पावर्स के साथ एंड ऑल ऑफ दैट, और आखिर में सिग्निफिकेंटली सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के वक्त 1805 में अंग्रेज़ों और उनके बीच में झगड़ा हो गया और लॉर्ड लेक ने एक बड़ी फौज के साथ भरतपुर को कब्जा कर लिया और उसके बाद भरतपुर फाइनली एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर एक प्रिंसली स्टेट बना। सन 1733 से सन 1805 तक जाटों ने यहीं से शासन किया। अपने सर्वश्रेष्ठ समय में जाट साम्राज्य सूरजमल के दौर में मौजूदा समय के भरतपुर, आगरा और दिल्ली के करीब के कई जिलों तक फैल चुका था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी उतने ताकतवर नहीं थे। सिंधियाओं, रोहिलियाओं और अंत में अंग्रेजों के साथ हुए युद्धों में पराजित होकर जाट राजवंश समाप्त हो गया। सन 1805 में लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद भरतपुर अंग्रेजों की सरापस्ती में चलने वाली रियासत बनकर रह गई थी। 1805 के बाद भरतपुर एक प्रिंसली स्टेट रहा। आई मीन उनको वो जो बॉर्डर्स थे वो डिफाइंड थे, वो कहीं पे अटैक नहीं कर सकते थे, कहीं पे ये नहीं कर सकते थे और वो वैसे ही रहा 1947 तक जब मर्जर नहीं हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात भरतपुर स्टेट की मैं बताना चाहूँगा, स्टोरी है महाराजा किशन सिंह की कि एक बहुत फेमस प्रिंसली सर्कल्स में एक स्टोरी है कि कैसे एक राजा ने रोल्स रॉयस को खरीद के उसको कूड़े के ट्रक में बनवा के पूरा कूड़ा उठवाया था और इसे ना अलग अलग राजाओं को एट्रीब्यूट किया जाता है, भोपाल को, अलवर को, पटियाला को एंड ऑल, बट सच बात तो ये है कि ये जो इंसिडेंट जो रोल्स रॉयस गार्बेज ट्रक्स का हुआ था वो भरतपुर में हुआ था और वो महाराजा किशन सिंह ने करवाया था। इट वॉज अ वेरी हॉरिबल थिंग, उन्हें नहीं करना चाहिए था, यू नो भरतपुर वॉज अ वेरी पुअर स्टेट, पर ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और इंडिपेंडेंस के बाद जो भरतपुर का राज परिवार है वो पॉलिटिक्स में सक्रिय है और बिकॉज ऑफ द जाट कनेक्शंस जो अभी के महाराजा है उनको भी काफ़ी राजस्थान में और द जाट कम्युनिटी में मान मिलता है। तो इस तरह जो भरतपुर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल है इंडिया की जाट लेगेसी का। अभी आप अगर भरतपुर में देखें तो इसके यू नो जो गवाह है, अभी जो भरतपुर फोर्ट है उसके अंदर सुंदर कमरा खास, रानी किशोरी महल, दीप महल, तो अभी ये सिंबल्स ही बचे हैं बट एक इतिहास के पन्ने की तरफ हमें वो लेके जाता है। सन 1805 से सन 1947 के बीच भरतपुर अंग्रेज हुकूमत के अधीन एक जाट रियासत के रूप में रहा। सन 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद भरतपुर के अंतिम शासक महाराजा बिजेंद्र सिंह ने भरतपुर रियासत को भारत में शामिल करने के समझौते पर दस्तखत कर दिए और नतीजे में भरतपुर राजस्थान का हिस्सा बन गया और इस तरह जाट राजाओं का 225 वर्ष पुराना साम्राज्य भी समाप्त हो गया। 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में दबदबा कायम रखने वाली जाट राजशाही की निशानियों के रूप में आज महज चंद महले और भरतपुर और दीक के किले ही बचे हैं। लेकिन राजा सूरजमल की कहानियां और उनके अनेक सफलताओं के किस्से यहां आज भी गूंजती हैं।